कल्याणपुर भदोही से जनजागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार एके फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। उड़नदस्ता टीम ने बरामद किए 90,000। विधानसभा निर्वाचन को सकुशल व निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए गठित उड़नदस्ता टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। शनिवार को ज्ञानपुर में अवैध प्रचार सामग्री, मादक पदार्थ व वाहनों से कैश परिवहन की सघन चेकिंग गई। पुलिस व प्रशासन की गठित उड़नदस्ता टीम ने शनिवार को ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग स्थित सिंहपुर गांव के पास एक कार से 90,990 रुपए कैश बरामद किया गया है। बरामद कैश के बारे में संतोषजनक जवाब न देने व वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर जब्त कर लिया गया है। उड़नदस्ता टीमें मजिस्ट्रेट रवि कुमार SI, ओम प्रकाश सिंह HC, बल्लू यादव FC, मिर्जा शाह नवाज बेग, संदीप कुमार, लाल प्रताप, कैमरामैन आशीष पाठक आदि रहे। नाम बताओ तो पता। सरकारी ठेके पर बेची जाती थी नकली शराब, 2 गिरफ्तार, 2 फरार। भदोही में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मौके से भाग निकले। कोइरौना थाना क्षेत्र के पैघा गांव में नकली शराब बनाने के दुकान का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में शराब और उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 भाग गए। आरोप है कि नकली शराब सरकारी दुकान से बेची जा रही थी। जिले में आगामी 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस को सूचना मिली थी कि पैघा गांव में नकली शराब तैयार कर सरकारी अंग्रेजी मदिरा की दुकान से बेची जाती है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक व DM अखौरी ने संयुक्त रूप से छापामारी कर 2 आरोपियों में प्रिंस सिंह व प्रशांत सिंह पुत्र गण उपेंद्र सिंह निवासी डिग थाना को इरौना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सरकारी मदिरा के दुकानदार के पास 649.7 लीटर अवैध नकली शराब बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ठेके की शराब में नकली शराब मिलाकर नई शीशी तैयार करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि हंडिया थाना क्षेत्र के शहदाबाद निवासी व शराब के ठेकेदार दिनेश कुमार मिश्र के निर्देश पर सिमरा धनाथ निवासी अवैध शराब बनाकर बिक्री करता है। बताया कि अविनाश बिंदा और कालू फरार हो गए। दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। आरोपियों के खिलाफ जालसाजी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर चालान किया गया, जबकि दुकान मालिक शहदाबाद थाना हंडिया प्रयागराज तथा नकली शराब तैयार करने वाले को इरौना थाना क्षेत्र के सिमरा धनाथ धाम निवासी आशीष सिंह मौके से फरार बताए गए हैं। भाई कंपनी की होगी तो एक बराबर भरा होगा ना, कम ज्यादा भरा होगा। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।